हम वापस आ चुके हैं और ये एक और ये एक जड़ी बूटी है जो मदीना मुनव्वरा में होती है। यहाँ जो लिखा है पेपर पे मैं आपको वो बता रही हूँ कि इसको पंजाए मरियम का नाम दिया गया है, मरियम अलैहिस्सलाम से इसको मंसूब किया गया है कि दौराने जच्चगी तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको पानी में डाल दिया जाता है। अभी फौजिया बाजी बता रही हैं यहाँ के लिए और बाद में डिलीवरी के बाद फिर इसको निकाल दिया जाता है, ये वैसे ही हो जाएगा, इसी शेप में वापस आ जाएगा। क्या बात है। अच्छा जी, और अब जो वक्त हुआ चाहता है कि हम आपको ये दिखाएं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, मैं आपको बार बार कह रही थी, सारी चीज़ें ही माशाल्लाह से ऐसी हैं कि, और पता है ये जिस पर्सनालिटी की चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, अगर इनकी राह पे भी हम चलें, हम अपना ईमान पक्का करें, तो हम किधर पहुंच सकते हैं। मतलब ये देखिए, ये जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है, मुबारक है, ये मोमबत्ती के अंदर एक आपको बाल छोटा सा बारिक सा दिख रहा नजर आ रहा होगा जी, इसको क्लियर आप देखिए। दुरूद शरीफ कंटिन्यू कीजिए और ये खास देखिए, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक है। सुभान अल्लाह। अब वक्त हुआ चाहता है कि ये प्रोग्राम दिल तो नहीं है आज मैं ख़त्म करूं, मेरा दिल कर रहा है बस मैं इसे देखती रहूं, मैं इनको इनके पास कहीं बैठ जाऊं। हम सब की यही कैफियत होगी अभी, और जो ख़ास मैं जिस बारे में बताई थी कि पत्थर भी इसकी खुशबू मैं आपको बयान नहीं कर सकती, हमारे इधर पूरे सेट पर इसकी खुशबू ऐसी महक रही है इस पत्थर की कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती, ना मेरे पास लफ्ज़ हैं जमा करने के लिए। ये खुशबू हमारी रूह पे असर करती है, आपकी रूह पे असर करती है। 1400 साल से इसमें कोई कमी नहीं आई। खैर, हम लोग खुशनसीब हैं कि हमें ये सआदत हासिल हुई, आपको ये सआदत हासिल हुई कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं देखी। अगर आपके पास भी कोई मौजज़ात हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। और अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं अपने प्रोग्राम के अख्तिताम तक पहुँचूँ और आप सबको खुदाफ़िज़ कहूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप लोग आए और इतना अच्छा जो टॉपिक हम लोगों ने आज चुना था उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी बातें हमें समझाई, एलैबोरेट की, लेकिन तबरुकात से मुतालिक बहुत सी बातें वजाहत तलब हैं जो रह गई हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम अपने अगले जुमे जो बातें रह गई हैं उसको कंटिन्यू करें। खुश रहिए, जीतिए और जीतते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।